नदियामी में अभी हम लोग मौजूद हैं। इससे पहले जो आपको खबर दिखाए हैं उसमें एक पक्ष का तो आपने सुन लिए, जो सदा भाई थे। अब दूसरा जो है मुखिया, मतलब मल्ला सहनी परिवार से है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, वो आदमी एक हमें मिल गए, इनके घर तक यहीं पहुंच गए, घटनास्थल पे ही आ गए। अब पूरे समाज के बीच में अगर घुमा दीजिए, पूरे समाज के बीच में इनसे भी हम जो क्या घटना घटा है, इनके ऊपर क्या आरोप लगा है, उसकी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा मुखिया, पूर्व सरपंच हूँ। अच्छा, ये जो आरोप लग रहा है, जो सदा भाई के घर में आग लगा है, मारपीट हुआ है, उसमें आरोप लगाया जा रहा है, आवेदन दिया गया है, उसमें आप लोगों का नाम है, क्या सच्चाई है इसका? इसमें सारा जो है सो मेरे ऊपर जो है सो गलत आरोप लगाया गया है, राजनीति के तहत जो है सो मुझे जो है सो फंसाया जा रहा है। और आग जो लगा है, इस घटना के विषय में हम जो है सो बताना ये चाहते हैं कि जब आग हम लगाते तो 7 बजे से सदा भाई सभी जो है सो अपना सामान ले जा कर के वहाँ घर पर रख दिए, और यहाँ बगल में बाराती है, वो बाराती जो है सो पहुँचने से पहले ही जो है सारा सामान वहाँ ढो करके ले गए, और स्वयं जो है सो वहाँ जो है सो ये आग लगाए हैं, और गलत राजनीति के तहत हमको फंसाया जा रहा है। इसमें समाज का इतना लोग है, अगर कोई कह दे कि गंगा मुखिया को किसी ने वहाँ देखा है, आग लगा है वहाँ किसी ने देखा है, तो मैं इसका दंडित हूँ। अन्यथा मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है तो उसको दंडित किया जाए। मैं प्रशासन से यही आग्रह करता हूँ कि ये सही जांच यहाँ जो है सो करवाया जाए, और जो उचित निर्णय हो वो किया जाए। ये ग्रामीण कुछ है यहाँ पे, ग्रामीण से कौन, ग्रामीण कोई देखा था आपको? आप पत्रकार हैं, आप पूछिए किसी का। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम रामचंद्र सिंह है। रामचंद्र जी, देखिए दो पक्ष के बीच में आपस में विवाद है, इस विवाद में जो सच्चाई अगर आप देखे हैं वही बताइएगा, क्योंकि हो सकता है इससे गांव की वाहवाही नहीं बदनामी होती है, ये भी आपके गांव का समाज है, समाज के बीच के लोग है। अगर आज मान लीजिए विवाद जो भी हो बाद में गलत आरोप साबित हो जाए, लेकिन गाँव का भी पहला बदनामी गाँव का होता है। जो नदियामी में इस तरह की घटना हुआ उसके बाद जो है लोग की बदनामी होता है, जो सच्चाई होगा वही आप बताइएगा। जी हाँ, हम लोग नहीं देखे किसी को आग लगाते हुए, नहीं देखे, नहीं देखे। इसी गांव के हैं? हम थे, हम नहीं थे, हम रात में नहीं थे। आप नहीं थे रात में? बाबा आइया, महात्मा है, चंदन टीका किए है, कंठी बांधे हुए, झूठ नहीं बोलिएगा। क्या हुआ था, देखे थे? हम तो बिल्कुल देखने के लिए देखिए, कुछ और है यहाँ पे। बाबा आप बुजुर्ग है, झूठ नहीं बोलिएगा। ये जो घटना कल रात में हुआ है, आग लगा है, आगजनी लूटपाट जो हुई है, इसको आप देखे थे? कुछ हुआ है या हजूर? हम नहीं देखे, हम कुछ नहीं देखे, हम झूठ नहीं देखे, हम झूठ काहे बोले? देखिए कुछ ग्रामीण से हम जब ने पूछे तो ये लोग बोल रहे हैं हम नहीं देखे हैं, कौन आग लगाया नहीं लगाया, तो ये जांच की विषय है। इसमें प्रशासन में हम लोग भी प्रशासन को हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशासन जाँच करेगी, जाँच का विषय है। जो सच्चाई घटना था हमने दोनों पक्ष की सुने, और दोनों पक्ष का हमने दिखाए, जो कि आप देखिएगा न्यूज में लगेगा और आपको दिखेगा जो क्या घटना है नहीं है। बाद बाकी इनके माँ से पूछिए, गंगा मुखिया को देखा है आग लगाते हुए? हमू कहाँ कहते हैं इनका हम लगलिए, मगर आप इनका बेटा जो बोल रहे जो हम घर में आग लगा देवे, हम विश्वास से इनका कहे छी। मोटरसाइकिल निकाल के आग पर सुई लगवेल के परसू नहीं लगा, मोटरसाइकिल। क्या आपके ऊपर नहीं, आपके लड़का के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो आके धमकी दिया था जो हम पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे? ये गलत बात है, स्वयं प्लानिंग परसू ही जो है सो थाना पर जाने से पहले इन्होंने जो है सो प्रोग्राम बनाया कि हम अब आग लगाएंगे, तो बाराती बगल में आने वाला था, उसने बोले कि भाई मेरी बेटी की शादी होगी, आप लोग अभी आग नहीं लगाइए, शादी होने के बाद आग लगाइएगा, और तब जो है सो ये लोग अपने स्वयं आग लगाया है और गलत आरोप लगा रहा है। यहाँ पे जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है वो राजनीति के तहत चल रहा है, क्या है पता नहीं हमें, ये जांच की विषय है। फिर जब जांच की विषय है, जांच जब होगी, जांच के बाद फिर एक बार हम पुनः आएंगे इस गाँव में और दिखाएंगे क्या है मामला, और पता बने रहिए।